r vector can be written as a linear combination of r vector equal to box RBC upon box ABC A vector plus box RCA upon box ABC B vector plus box RABC CA AB. ठीक है, RAB upon box ABC C vector. ठीक है, true or false? एक statement भी हो गया और check भी हो गया. ठीक है, क्या किसी R vector को can be written as this, है ना? अच्छा, फिलहाल मुद्दे पे चलते हैं. क्वेश्चन क्या है वो समझे अपन. रेडी, गेट आ रहा हूं. ठीक है, अभी थोड़ा अपन धीरे धीरे सरकते सरकते एडवांस लेवल की चर्चा पे आ गए. पहली बात, नंबर भूल तो नहीं गए. नंबर नंबर अपन नंबर नंबर माने एक कांस्टेंट है ना. तो आई विल कॉल इट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर. कह सकता हूं क्योंकि उसने यही थॉट दिए मेरे को, तो सबसे पहले मैं यही करूंगा. अच्छा, पहले क्वेश्चन में आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे, सर आपके दिमाग में कैसे आएगा, है कि नहीं. सेकंड क्वेश्चन में आप बताओगे कि सर ऐसा आ सकता है क्या. ठीक है, ट्राई करेंगे. ये ए लिखा है, इसका जानबूझकर बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं. फिर जब कर लूंगा उसके बाद मैं सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, फिर कर लूंगा तब ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा. मैंने तीन स्टेप चलने वाला हूं. जैसे ही मैं बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आर डॉट बी क्रॉस सी डब्बा आरबीसी हो गया, सोच लिया आपने. इज इक्वल टू मैं एक्स इनटू डब्बा एबीसी हो गया, सोच लिया आप. ठीक है ना, प्लस में वाई इनटू डब्बा बीबीसी हो गया, दैट इज जीरो, सोचा. और सी इनटू सीबीसी हो गया जीरो. तो इसका मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल गई कितनी, बॉक्स आरबीसी अपॉन बॉक्स एबीसी. सही है क्या भाई, है ना, पक्का. अच्छा, और वैसे भी आपको ध्यान हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए तीन वेक्टर के एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं. तो ऐसा लिखना ऑटोमेटिकली भी गलत नहीं था. एनीवे, मैं सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करता हूं. आर डॉट सी क्रॉस ए आर सी एज इक्वल टू में एक्स ए सी ए जीरो प्लस वाई बी सी ए बी सी ए माने ए बी सी वेरी गुड. अच्छा, सी सी ए जीरो, तो z into 0. तो फाइनली अगर देखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, RCA upon box ABC. सही है, उसी तरह से सिमिलरली z की वैल्यू भी कितनी आएगी, RAB upon box ABC कर दूं, और ये वाली वैल्यू उठा करके मैं वापस यहां रख सकता हूं. पुटिंग इन इक्वेशन वन जैसे आप पुट करोगे r वेक्टर इक्वल टू में box upon box x सॉरी a वेक्टर प्लस में box upon box ठीक है बी वेक्टर प्लस में बॉक्स अपॉन बॉक्स सी वेक्टर आ जाएगा. और बॉक्स भर लें आप. ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है. ठीक है, चलेंगे. हाँ, एबीसी को प्लेनर नहीं है, कंडीशनली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं लिख देता हूं, सही है. वैसे मैं एक्चुअल में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिमाग पे रख रहा था. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था, ए कॉमा ले लोगे, मतलब कि सर ऐसे ये वाली कॉलम माने कॉलम टू कॉलम थ्री, मतलब कि सर ऐसे ये a माइनस बी प्लस टू सी है, इसको यार ऐड कर दे, मतलब थ्री ए प्लस बी माइनस सी. अच्छा, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि है तो डिटरमिनेंट ही. एक मिनट सोचे, मतलब तुम करना क्या चाहोगे लास्ट में, किन दो को जीरो, हाँ दो को जीरो कर देंगे, दो को जीरो बचा आंसर या फिर एबीसी टर्म में निकाल के. प्रॉपर तरीका तो वही है जो तुम्हारा वाला था. ठीक है, किसको ओपन करो एक एक को और लास्ट में आंसर निकालो, लेकिन अपन ने तो शॉर्टकट ही निकाला. एनीवे, अगले क्वेश्चन आते हैं.
अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एक्सप्रेस बी क्रॉस सी इन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट है। बी क्रॉस सी को एबीसी में दिखाइए। जैसे आपको शायद पता होगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किसको किस में दिखा डाला, आर को एबीसी में, है ना। अब की बार हम किस में चाहते हैं, बी क्रॉस सी को एबीसी में। तो पहली लाइन क्या लिखूं बताओ, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, सही है, जेड सी वेक्टर। और फिर से देखो इस एबीसी को देख के डिसाइड करो किससे करूं, डॉट डॉट किससे करूं, ए से नहीं कराओ, बी क्रॉस सी से कराओ। अरे डब्बा अभी एबीसी आ जाएगा, नहीं आया समझ में, फिर से वापस किससे कराओगे, सी क्रॉस ए से, फिर से ए क्रॉस बी से। जैसे ऐसा करोगे देखो, बी क्रॉस सी से करते ही ये बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी माने बॉक्स, सॉरी बॉक्स नहीं, मॉड बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे करो में यहां क्या बन गया, एक्स टाइम्स एबीसी पास वाला वाई इंटू जीरो, और इधर कितना बन गया जेड इंटू जीरो। तो फाइनली एक्स की वैल्यू आ गई ना, ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर अपॉन बॉक्स एबीसी, ऐसा कर दे। अच्छा सिमिलरली अगर सी से कर दिया तो ये बहुत गंदा काम होने वाला है, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, ऐसा लिख दूं इज इक्वल टू, मैं जैसे इससे डॉट प्रोडक्ट करूंगा कितना, हाँ क्या बोले थे, एक्स इंटू जीरो पक्का, इससे करते वाई इंटू बॉक्स एबीसी, और इधर से देखा जाए तो जेड इंटू जीरो। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन डब्बा एबीसी, इट इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। और सीधा जेड सोच लें अपन, जेड के लिए तो क्या लिखना है, बी क्रॉस सी डॉट डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी, और फिर ये वाली वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन, सही है, इसको इक्वेशन वन नाम देते हैं, ठीक है। आप मेरी राइटिंग की सुंदरता देखते करके समझ ही गए होंगे कि मेरा इंटेंशन गलती से भी समझाने से भी ज्यादा, मतलब लिखने से सुंदर लिखने से ज्यादा सिर्फ चीजों को प्रोड्यूस करना है, रखते जाना, ताकि आप ये समझो ये सब छोड़ने की जगह है, मतलब इनमें से कोई भी कोई टीचर नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि यहां तो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे टीचर भाई। आपको चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन कराओ, इतनी देर में तो पता चलता है अगले का टाइम हो गया, तो या तो छोड़ते जाओ सारी चीजें और आप पे डालते जाओ, आप छोड़ते जाओ कि डिस्कशन में किसी ने पूछ लिया तो मैं पूछ लूंगा, नहीं तो छोड़ते जाएंगे हम भी, ठीक है। तो ये करेज किसी को तो उठाना ही पड़ेगा, एडवांस लेवल पे भी तो सोच, क्या मालूम मेंस का कोई भरोसा तो है नहीं, कब इसका सटक जाए, ठीक है। अब एक लास्ट है ना, क्यों, क्योंकि जब तक ये तीसरा नहीं जुड़ेगा ना ये कड़ी पूरी होगी ही नहीं, ये चेन पूरी ही तभी होगी जब अपन थर्ड पे बात करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस ए वेक्टर इन बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, हाँ ठीक है, यही है, करें मत। पहला लाइन बोलो, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स बी क्रॉस सी वाई सी क्रॉस ए जेड ए क्रॉस बी। मैंने आपको बोला था ना कि जब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो आप मेरे से पूछोगे कि सर ये हुआ कैसे, और सेकंड और थर्ड में आप मेरे को ये बताओगे करना क्या है, ठीक है, याद है आपको, डॉट। अब बताओ किससे डॉट, ए से। अब आपके दिमाग में इससे बढ़िया क्या ला सकता था मैं, अगर आप ये समझ गए कि ए से ही करना है तो आप समझ गए डब्बा एबीसी प्रोड्यूस करना पहला एम है, फिर डॉट किससे, बी से, फिर डब्बा सी से, सही है। अगर मैंने ए से कर दिया तो इट इज मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनटू डब्बा एबीसी प्लस जीरो प्लस जीरो, सोच जाना आप तो। तो मैं सीधा अब मैं एक्स समझ ही गया, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया, मॉड ए का स्क्वायर अपॉन डब्बा एबीसी। मैं डायरेक्ट लिख दूं मजा आ जाएगा, देखिएगा साहब, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं एक्स के नाम पे लिख रहा हूं, मॉड ए का स्क्वायर इनटू डब्बा एबीसी इनटू बी क्रॉस सी, सही है। अब विद्वान बच्चे सीधा वाई सोचेंगे, वाई बी से कर दूं, ए डॉट बी अपॉन डब्बा एबीसी कर दूं इनटू में सी क्रॉस ए, ये हुई ना बात, प्लस में सी से करते सी क्रॉस ए, सही है, सी क्रॉस ए अपॉन डब्बा एबीसी इनटू में ए क्रॉस बी, ठीक है, डन। एक वेक्टर को हम बाकी बचे वेक्टर में प्रोड्यूस करना सीख गए, ठीक है।
अच्छा ये आपने जबरदस्त काम किया भाई। पता आपने क्वेश्चन नहीं करा, आपने क्वेश्चन को जो धक्का देके करवाया ना, ठीक है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन और टाइम ले जाता लिखने में, समय बचाओ, है ना, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, आर थ्री नॉन को प्लेनर यूनिट वेक्टर, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर हैविंग एंगल बिटवीन देम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एंड एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर आर, एंगल नाना यूनिट वेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अल्फा बीटा गामा, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाया, एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस एक्स इज इक्वल टू 1/16 U V W डब्बा इंटू मार्केट में sec स्क्वायर अल्फा बाई टू, sec स्क्वायर बीटा बाई टू, sec स्क्वायर गामा बाई टू, ठीक है। U V W आर द यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है, और मैं तो आप बोले तो तीन लाइन में खत्म कर सकता हूँ, आप मदद करो तो कर दू, हाँ तीन लाइन में खत्म कर सकता हूँ, नहीं 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 आप मदद करो तो सोचना, मदद करने का लेवल आपका हाई होगा, मैं खत्म करने का लेवल मेरा हाई रख दूँ, ठीक है, और समझ में आ सकता है उसको जिसको थोड़ा पढ़ा हुआ है, राइट है, ट्राई करते हैं। देखो पहले ही पहचान लो एक्स कौन है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, किसका यूनिट वेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का, किसके एंगल बाइसेक्टर का, यू और वी के, यू और वी के बीच का एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल बीटा, और फिर इन दोनों के बीच का गामा, ये तो समझ रहे हो, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा, तो अगर इसका एंगल बाइसेक्टर मांगा तो मैं पहले याद दिलाता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर होता है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप, तो यू और वी का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा लैम्डा यू कैप प्लस वी कैप, यू कैप प्लस वी कैप, और ये तो हुआ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का भी यूनिट वेक्टर चाहिए वो एक्स बनेगा, तो किसी का भी यूनिट वेक्टर बनाना तो उसी वेक्टर में उसी का मॉड का डिवाइड, सही है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए बस ये बताता हूं कि एक्स कौन है, यू वेक्टर लैम्डा टाइम्स यू वेक्टर प्लस सॉरी यू कैप प्लस वी कैप, सोचा अपॉन, वैसे भी है शायद यू वी डब्ल्यू भी यूनिट वेक्टर है, तो कैप में अपने खुद की वैल्यू वन दे देंगे, अपॉन में लैम्डा मॉड में यू कैप प्लस वी कैप, खुद का ही तो डिवाइड करा, लैम्डा टू लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया, सही है। अच्छा फिर किसी ने राय दी कि भैया ऐसा भी मत बोलो, यू कैप प्लस वी कैप ठीक है, नीचे टू कॉस अल्फा बाई टू बोल दो, बुरा क्या है, बहुत समझाया, उनके समझ में आ गया, आएगा कभी, याद आया आपको, मैंने कहा था मॉड ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, याद करो आप, आज के दिन के बीच के इनका बीच का एंगल अगर अल्फा है तो इट इज इतना, सही है, तो ये अब जिसने यहां सवाल लिया ना हो गया क्वेश्चन उसका, देखो जरा इसका मतलब इसकी जगह लिख दूं, डब्बा भर रहा हूं, ठीक है, यू कैप प्लस वी कैप अपॉन 2 कॉस अल्फा बाई 2, श्योर एक्स आ गया, अब वी पे आता हूं, वी
क्या करना था? रुको रुको रुको, एक और काम करता हूं, तब तक ये काम इसका आसान करता हूं, समझो। ये अगर आपको पता है साइक्लिक है, साइक्लिक होने पर पहला 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 दूसरा 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 और मल्टीप्लाई में कर दूं, तो इट इज गिवन एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। दो बार क्यों लिखूंगा ना, अब एक्स की जगह सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, रेडी। देखो यहां से मेरी पहली लाइन चालू हुई है, सेकंड लाइन एक्स की जगह आई एम पुटिंग वैल्यू यू कैप प्लस वी कैप अपॉन टू कॉस अल्फा बाई टू, श्योर है? इट इज वी कैप प्लस डब्ल्यू कैप अपॉन टू कॉस बीटा बाई टू, इट इज डब्ल्यू कैप प्लस यू कैप अपॉन टू कॉस गामा बाई टू, श्योर है? अब रुको, इसका स्क्वायर है ना, टू कॉन्स्टेंट, पहले तो बताओ नीचे से बाहर क्या आ रहा है? आठ, एट बार आ रहा है, सोचो, याद है ना? अरे केपीक्यू, केपीक्यू आप ही ने तो सीखा, भूल जा दो, नहीं याद आया? तो टू का क्यू माने आठ बार आया, और आठ का भी स्क्वायर माने चौसठ बार आएगा, नहीं आया? तो 1/64 बार आ गया। अच्छा, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस बीटा बाई टू, कॉस गामा बाई टू बोलेंगे, हमें भी ले चलो, हम भी तो कांस्टेंट ही है, हम कौन सा वेक्टर है? तो हमने कहा चलो हमारे क्या दर्द है, तो इसका मतलब इट इज 1/64, ठीक है ना? और बाहर लिख लेता हूं, sec स्क्वायर अल्फा बाई टू, sec स्क्वायर बीटा बाई टू, sec स्क्वायर गामा बाई टू, क्या बात है, ये तो आंसर आने वाला है, सही है? अंदर किसको छोड़िए, यू प्लस वी, वी प्लस डब्ल्यू, साइक्लिक तो नहीं है, तो टू टाइम्स यू वी डब्ल्यू का स्क्वायर, इट इज फोर टाइम्स यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, सही है? और फोर से गया 16, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। कौन है गया? ओ ये कोई पार्टी का स्क्वायर है गया बेचारी का, ठीक है, हाँ ठीक है, डन।